हेलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में 23rd चैप्टर, जिसका नाम है द रिटर्न ऑफ द लायन। अब इसमें कुछ एक करेक्टर्स दिए हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। शिवाजी जी द रूलर ऑफ द मराठास, और सेकंड जीजाबाई शिवाजी इज मदर, जो कि उनकी माँ हैं, और मंत्री शिवाजी क्रोनसलर, सचिव द सेक्रेटरी, रामदास अ पोएट, शिवाजी टीचर एंड कंपेनियन, जो उनके एक गुरु भी रह चुके हैं और उनके साथी भी थे, सोयाबाई शिवाजी वाइफ एंड संभाजी मदर, पंडित राव संभाजी फोस्टर मदर, जो कि उनका लालन पालन करती थी, उनकी देखरेख करती थी संभाजी की, वो थे ये पंडित राव। अब हम इस चैप्टर के बारे में आगे बात करते हैं। आपने शिवाजी जी के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो मराठा के किंग थे, उन्होंने बहुत युद्ध लड़े। एक बार औरंगजेब ने, जो मुगल किंग भी हैं, उन्होंने शिवाजी जी को पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था। और आपको क्या लगता है इस स्टोरी में, जो हम पढ़ने वाले हैं, इस स्टोरी में बताया कि जो शिवाजी जी थे, वो उनको मार दिया गया, और मरने की खबर उनके जीजाबाई तक पहुंचाई गई कि वो अब जीवित नहीं हैं। अब इसमें बात करें आगे हम, क्या आपको लगता है कि शिवाजी जी को क्या हुआ होगा, और जो उनके परिवार वालों को कैसा महसूस हुआ होगा जब ये खबर आई कि शिवाजी जी मर चुके हैं, और जो पत्र आया था उनके पास, वो आगरा से आया था। शिवाजी जी जो बंदी बना लिया गया है, बाद में इसके मिडिल सेंटर में हम ये भी सुनेंगे कि उनको बंदी कैसे बनाया गया और उनको क्या हुआ था, तब बहादुर सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा कि उनका जो राजा है, उनको कैसे बंदी बनाया गया, और वो किस स्थिति में रहे होंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम आगे। अब पत्र के बारे में, जो आगरा से पत्र आया हुआ था, औरंगजेब जीजाबाई बोलती हैं औरंगजेब कब सच बोलता है, क्या वह मेरे बेटे से झूठ नहीं बोला था कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा, रक्षा करूँगा। फिर शिवाजी जी ने जिनसे वादा लिया था, वह उनके जो जयसिंह थे, जो उनके साथ रहा करते थे, और औरंगजेब जयसिंह के मालिक थे, और उनकी आज्ञा का पालन करना उनका धर्म था। तो ये बताया गया, औरंगजेब ने जाल बिछा रखा है, वह कभी भी हमला कर सकता है, ऐसा जीजाबाई ने सैनिकों को बोला। कभी भी झगड़ा हो सकता है। यह बता रहा है कि शिवाजी जी जीवित नहीं है, बट उनकी मृत्यु कैसे हुई है ये तो नहीं बता रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि शिवाजी जी की मृत्यु नहीं हुई है, यहाँ तक जीजाबाई ने अनुमान लगा लिया। और सबको ये भी दिलासा दिया कि जो शिवाजी जी हैं, वो जहाँ भी हैं वो महफूज होंगे, और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो जीवित हैं और वो आएंगे ही आएंगे। और सैनिकों ने ये नारा भी लगाया कि जीजाबाई अमर रहे, शिवाजी जी अमर रहे, इन लाइनों का यूज़ करके उन्होंने बताया। तो फिर उस वक्त सोयाबाई, जो कि शिवाजी जी की पत्नी थी, उन्होंने बोला कि इस पत्र में क्या संभाजी के बारे में भी पता चलता है कि, फिर जीजाबाई बोलती है सोयाबाई से, बोला कि चुप रहो लड़की, तुम सिर्फ माँ ही नहीं हो, बल्कि मेरा कहने का मतलब है, मेरा बेटा और तुम्हारा बेटा दोनों जल्द ही वापस आएंगे, उस लोमड़ी के यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। औरंगजेब को लोमड़ी कहा गया है,
इस चैप्टर में एक जगह मंत्री जी मेरी बात सुनिए, सैनिकों के वेतन और खान पान को की सामग्री को बढ़ा दीजिए, उनके परिवार को परिवार में पत्नी और उनके बच्चों को मिठाइयाँ कुछ उपहार दीजिए और उन्हें ये भी संदेश दीजिए कि राजा वाराणसी में है और कुछ समय के लिए वो वहाँ गए हुए हैं। आचार्यों ने वाराणसी में उनकी जो कुंडली देखी है उसमें बताया कि जो शिवाजी जी हैं वो उन्हें बहुत बड़ा राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता और वो जल्द ही वापस आएंगे, ऐसी उन्होंने सूचना दी सैनिकों के परिवार को, सैनिकों को। थैंक यू।